I would like to welcome you with lecture 2 of this chapter, Structure of Atom. This is the chapter 3 of your book. I hope you have read the chapter in the book, which I've explained in lecture number 1. Okay, now let's start lecture number 2 with the term radioactivity. I have already told you, I'll explain you the term radioactivity in the further lectures. Okay. Now what is basically radioactivity? Radioactivity हमारे पास एक reaction होता है जिसके अंदर nucleus disintegrate होता है, nucleus break होता है. But here is a specification कि हर atom का या हर element का nucleus break नहीं होता. Only those elements whose atomic number is greater than 82 undergo radioactive phenomena and they give as the reactions of radioactivity. ठीक है, जो जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होगा, दे वोंट शो रेडियोएक्टिव रिएक्शंस. हेयर यू कैन सी देयर इज अ ब्लॉक फ्रॉम व्हिच रेडियोएक्टिव रेज आर कमिंग. अल्फा, बीटा एंड गामा, दीज आर 3 रेडियोएक्टिव रेज. नाउ हाउ दे अकर, आई विल एक्सप्लेन यू. द सब्सटेंस विच इमिट सच काइंड ऑफ रेडिएशंस, जो भी सब्सटेंस, जो भी सोर्स हमें ये रेडिएशंस दे रही होती है, वो सोर्स, वो एटम, वो एलिमेंट हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव सोर्स. ठीक है, रेडियो एक्टिव एटम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव सोर्स, दे आर कम ऑल अंडर द सेम ट्री. बेसिकली रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1902, वेयर ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया था कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स को लेड बॉक्स के अंदर रखा था. एज़ यू कैन सी इन द प्रीवियस स्लाइड कि हमारे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर से रेज इमर्ज हो रही हैं. तो उसने एक रेडियो एक्टिव सोर्स को लेड बॉक्स के अंदर रखा था और उस लेड बॉक्स के अंदर से रेडियो एक्टिव रेज इमर्ज हुई. और वो जो लेड बॉक्स था, वो हमारे पास 2 चार्ज्ड प्लेट्स थी. जो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, वो चार्ज प्लेट्स होती हैं. वन इज़ पॉजिटिवली चार्ज और वन इज़ नेगेटिवली चार्ज. तो जब वो चार्ज प्लेट्स थी, तो उनकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी. अंडर दोज सर्कमस्टांसिस, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियो एक्टिव सोर्स, लेड बॉक्स, इलेक्ट्रिक प्लेट्स, तो वहाँ पर रेडियो एक्टिव रेज इमर्ज हुई. 3 रेज इमर्ज हुई, अल्फा, बीटा एंड गामा. वो जो रेज इमर्ज हुई, वो 3 जगहों पर हमने उनको रिजॉल्व किया. वन इज़ अल्फा, वन इज़ बीटा एंड द अदर वन इज़ गामा. नाउ व्हाट हैपेंड इज़ कि जो अल्फा रेज थी, दे वर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट. तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं. व्हाट डज दिस डिपिक्ट? दिस डिपिक्ट अस के अल्फा रेज क्या हैं? पॉजिटिव हैं. सिमिलरली बीटा रेज वर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट. व्हाट डज दिस डिपिक्ट? दिस डिपिक्ट अस कि जो बीटा रेज थी, वो नेगेटिव थी जब भी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी. एंड गामा रेज पास्ड अनडिफ्लेक्टेड कैरिंग नो मास. गामा रेज वर न्यूट्रल, दे पास्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सो दे वर न्यूट्रल. तो ये हमारे पास 3 रेज थी, जो 3 रेडियो एक्टिव रेज थी. एंड आई हैव एक्सप्लेन यू द प्रोसेस कि रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है. अच्छा जी, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमने एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. लेकिन बेसिकली वो कहाँ, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इनिशियली हमें ये बात नहीं पता थी. तो एट दैट टाइम साइंटिस्ट केम अप विद लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर क्या है. तो आउट ऑफ दोज विल बी रीडिंग 2 साइंटिस्ट, रदरफोर्ड एंड बोहर. लेट्स फर्स्ट स्टडी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड्स केम अप विद हिज एटॉमिक मॉडल. Rutherford basically what he did, he performed an experiment. In that experiment he took a gold foil and he took alpha particles. Alpha particles हमारे पास एक radioactive source से आ रहे थे. यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एक box है, that is radioactive source. और slit के अंदर से हमारे पास alpha rays आ रही हैं. और ये जो blue color की हमारे पास lining है, this is photographic plate. ये हमारी screen है, ये हमारी photographic plate है जिसके ऊपर हमने zinc sulfide की coating की हुई है. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा रेज आ रही हैं. और ये जो अल्फ़ा रेज हैं, अब हम इनकी डिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रही हैं. फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हम रिजल्ट देखेंगे. गोल्ड फॉइल हमने यूज़ की है, दैट इज़ 0.00004 सेंटीमीटर थिक. ठीक है,
और अल्फा पार्टिकल्स की सोर्स है जहाँ से रेडियो एक्टिव सोर्स है जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स इमर्ज हो रहे हैं, और एक स्लिट है जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं और वो गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करें। आफ्टर स्ट्राइकिंग टू गोल्ड फॉइल व्हाट आर दी रिजल्ट्स? स्टडीइंग दोज रिजल्ट्स रदरफोर्ड डिपिक्टेड दैट के एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ डज एटम लुक लाइक। तो नाउ व्हाट रिजल्ट्स ही गॉट? ही गॉट दैट मैनी पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, मैनी मतलब मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स है दे पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। वेरी फ्यू ऑफ दैम डिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स एंड फ्यू ऑफ दैम बाउंस बैक। अब ये तीन हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं और इन रिजल्ट से ही शोड के एटम का क्या स्ट्रक्चर होगा। ही सेड दैट क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा स्पेस जो एटम का था दैट वॉज एम्प्टी। सेकेंडली ही फाउंड इट आउट कि जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए सर्टेन एंगल्स पे तो देर इज़ समथिंग पॉजिटिव चार्ज, देर वॉज सम काइंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जिसने इनकी डिफ्लेक्शन शो की डिफरेंट एंगल्स पे। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव हैं एंड पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो इस रिपल्जन के प्रोसेस की वजह से हमारे पास क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुई डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। अगर ये रिपल्जन ना होती तो ज़ाहिर है डिफ्लेक्शन नहीं होती, लेकिन ये रिपल्जन की वजह से हमारे पास डिफ्लेक्शन हुई। तो एक और चीज़ हमें पता चली कि कहीं ना कहीं एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये बाउंस बैक हुए हैं। सेकेंडली वो बाउंस बैक हो गए, बाउंस बैक होने का मतलब ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं दैट वॉज वेरी डेंस एंड दैट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि उसने विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इट स्ट्रेट अवे बाउंस्ड बैक द रेस। ठीक है, नाउ प्रोटॉन, इसके बाद रदरफोर्ड ऑल्सो डिस्कस्ड इट कि रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस, हाउएवर दिस स्पेस इज नॉट कम्प्लीटली एम्प्टी एंड दैट इन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो हमारे पास एक तो न्यूक्लियस था जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, जो रेस्ट ऑफ द एटम है उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो रदरफोर्ड डिपिक्टेड इट कि वो खाली नहीं था, देयर वर सर्टेन शेल्स अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। तो जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो उसने एटम को एज अ होल न्यूट्रल रिगार्ड किया। नाउ व्हाट वर द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वॉज फाउंड आउट विद टू ड्रॉबैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज फ्रॉम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन ने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगा और एनर्जी रिलीज़ करेगा तो देयर विल बी अ टाइम व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा। तो जाहिर है कि जब इलेक्ट्रॉन विल फॉल आउट तो दिस इज़ नॉट टेलिंग अस एनी प्रॉपर स्ट्रक्चर। सेकेंड हमारे पास वो क्या था, वो ये था कि वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन गिव अस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, वेयर इज देर वो दिस थिंग वॉज ऑलरेडी ऑब्जर्व कि इलेक्ट्रॉन्स और एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांजिशन होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, दिस ऑलवेज गिव्स अस लाइन स्पेक्ट्रम, वो कभी भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देता हमें। लेकिन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इट वॉज गिविंग अस कंटिन्यूस मॉडल, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो दिस पॉस्टुलेटेड एंड दिस थ्योरी गॉन रॉन्ग। आफ्टर दिस नील बोहर गिव हिज थ्योरी इन 1913, लेट्स स्टडी दैट। After different discoveries, Niels Bohr comes up with his theory in 1913, and his theory stated that उसने प्लैंक्स के आइडिया को यूज़ किया था। उसने ये बोला था कि जो हमारे पास एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं वो कांस्टेंट एनर्जी रिलीज नहीं करती, बल्कि उसने उनको एनर्जी का एक यूनिट दिया, दैट इज़ क्वांटा। क्वांटा इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो उसने कहा कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है वो एनर्जी की पैकेट्स के फॉर्म में होती है। जब भी डिफरेंट लेवल्स हैं और डिफरेंट शेल्स हैं, अलाउड और नॉन अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास लोअर ऑर्बिट में से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, और जब भी वो हायर से लोअर में जाएगा वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, और लोअर से हायर में जाएगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आती है तो वो अपनी क्या करता है, एनर्जी लेवल हायर कर लेता है। यानी फॉर एग्जांपल कि अगर वो लोअर एनर्जी लेवल में है, उसके पास एनर्जी आई, वो हायर में चला गया, और अगर वो हायर एनर्जी लेवल में है, इट वुड रिलीज एनर्जी एंड कम टूवर्ड्स द लोअर ऑर्बिट। यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, वील फाइंड इट आउट कि इफ़ एनी इलेक्ट्रॉन इज़ फाउंड इन हायर लेवल, इट विल इमिट एनर्जी एंड इट विल कम टूवर्ड्स द
lower level. Emission of energy is observed when electron moves from higher to lower orbit. और जब भी electron absorbs energy, it moves from lower orbit to higher orbit. And he said that सिर्फ उन्हीं electrons की revolution moment possible है जिनका हमें frequency Planck's constant के multiple होता है. ठीक है, तो he gave it out as A quantum of energy is directly proportional to the frequency of radiation, that is del E is equals to E2 higher energy level minus E1 lower energy level H mu. H is here the Planck's constant and mu is the frequency of radiation. Okay, fine. In this lecture, we studied three topics. First of all, radioactivity, types of radioactive rays, and what is basic definition of radioactivity. Secondly, we studied two atomic models, one of Rutherford's and his drawbacks, and we studied Bohr's atomic model. If you didn't get anything and if you want to ask